नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मनीषा सिंह और आप देख रहे हैं एबीपी गंगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अयोध्या पहुंच चुके हैं, जहां वो एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन का उद्घाटन करेंगे, करोड़ों की सौगात देंगे। इस मौके पर राम नगरी त्रेता युग की तरह सजकर तैयार हो चुकी है। और इस बीच बाबरी मस्जिद के पक्षकार रहे इकबाल अंसारी ने भी पीएम की दिल खोलकर तारीफ की है। उन्होंने कहा कि ये सौभाग्य है कि प्रधानमंत्री यहां आ रहे हैं, हम भी फूलों से उनका स्वागत करेंगे। इकबाल अंसारी ने कहा कि अयोध्या का सौभाग्य कि प्रधानमंत्री जी यहां आ रहे हैं और अयोध्या में एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, सड़कें और पुल हैं, कई तरह की सौगात दे रहे हैं। अयोध्या का विकास हो रहा है। आज जो अयोध्या की खूबसूरती है वो सबके सामने है। पीएम मोदी जी आज अयोध्या में खुद विराजमान हैं। ये अयोध्या वालों की तकदीर है कि इतनी परियोजनाओं की सौगात पीएम दे रहे हैं। इकबाल अंसारी ने कहा कि पीएम मोदी को बधाई देने के लिए अयोध्या के लोग तैयार हैं कि आज कई 100 करोड़ रुपए का काम अयोध्या में दिखाई दे रहा है। यहाँ एयरपोर्ट है, रेलवे स्टेशन है, पुल है, कुंड है, सड़क है, मंदिर का गेट है। माननीय प्रधानमंत्री सबके सामने होंगे। ये अयोध्या का सौभाग्य है कि यहाँ बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं, हम उनका भी स्वागत करते हैं कि वो यहाँ आए। जितना काम हुआ है खुद देखें। आप भी सुन लीजिए कि इकबाल अंसारी ने आगे क्या कहा है। देखिए, हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, अयोध्या आ रहे हैं और अयोध्या का सौभाग्य है कि आज स्वयं जो है प्रधानमंत्री जी अयोध्या आ रहे हैं और अयोध्या में एयरपोर्ट है, रेलवे स्टेशन है, रोड है, पुल है और तमाम सी चीज़ें का जो है वो सौगात भी देने वाले हैं। अयोध्या में विकास हो रहा है और विकास हो चुका है। प्रधानमंत्री जी अयोध्या में स्वयं मौजूद जो है होंगे, ये अयोध्या वालों का एक सौभाग्य है। आज जो है अयोध्या की जो खूबसूरती जो है वो आज जो है सबके सामने है कि माननीय प्रधानमंत्री जी अयोध्या स्वयं भी जो है विराजमान है। आपको बता दें कि इकबाल अंसारी अयोध्या, राम जन्मभूमि और मस्जिद विवाद में बाबरी के पक्षकार रहे हैं। सालों तक उन्होंने कोर्ट में इसकी लड़ाई भी लड़ी थी। भारत की बात रोहित सिंह सावल के साथ सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।